गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेच। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे दोस्तों, और लगातार कई चीजों में समस्याएं आ रही है, जैसे शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के है, ट्रांसफर को लेकर के है, अब तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है, कमिटी का रिपोर्ट कब तक शिक्षा विभाग को आएगी, कब तक वो पब्लिकली होगी कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। 15 दिन का समय लिया गया था, अब तो महीनों का समय हो गया है दोस्तों। ऑनलाइन अटेंडेंस में काफी समस्याएं आ रही है दोस्तों। TRE 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और सरकार से मांग भी करेंगे कि इसमें सुधार किया जाए या तो फिर इसको हटा दिया जाए, जैसा भी उचित लगे सरकार को दोस्तों। तो आइए हम लोग आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्षमता पोस्टिंग को लेकर के दोस्तों, कि आखिर ये जो पोस्टिंग होगा दोस्तों, ये कब तक पोस्टिंग दिया जा सकता है दोस्तों। लगातार शिक्षक जो है वो डिमांड कर रहे हैं, 1,87,000 शिक्षक है दोस्तों जिन्होंने ये एग्जाम पास करके और राज्यकर्मी बनने के लिए दोस्तों राज्यकर्मी बन चुके हैं। हालांकि सरकार के तरफ से भी ऑफिशियली दिया नहीं गया है, इनकी पोस्टिंग नहीं की गई है और काउंसलिंग भी हो चुका है दोस्तों। अब लगातार सरकार के तरफ से इतना डिले किया जा रहा है, तो अब डिमांड ये है कि जिस तिथि से ये पास किए हैं दोस्तों, उस तिथि से ही इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और जो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, उससे भी बिल्कुल स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा है कि सितंबर में पोस्टिंग हो ही जाएगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील सर के तरफ से दोस्तों लगातार 2 बार इंटरव्यू में कहा गया था कि जो भी सक्षमता पास शिक्षक है दोस्तों, इन लोगों की पोस्टिंग सितंबर के लास्ट में शुरू हो जाएगी, कर दी जाएगी, अपने अपने विद्यालय में चले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी जिनकी काउंसलिंग हुई है दोस्तों, और उसके बाद काउंसलिंग में बहुत से जो शिक्षक हैं, जिन लोगों का डाउटफुल कर दिया गया है दोस्तों, तमाम तरह की जहां समस्याएं हैं वो तो डाउटफुल हैं, लेकिन जहां समस्या नहीं भी है उसको भी लेकर के यहां पे डाउटफुल कर दिया गया है। जैसे सीटेट के मार्क्स को लेकर के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में सीटेट का जो मार्क्स मिलता है, उस मार्क्स में कई डिस्ट्रिक्ट में जो काउंसलिंग करने वाले थे दोस्तों, वो उसमें सील खोज रहे थे कि इसमें मुहर लगना चाहिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो और इसको लेकर के वो उन्हें डाउटफुल में डाल दिए हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। डिजी लॉकर ये भी लिख दिया गया है कि डिजी लॉकर का ये प्रति है, तो और इसको लेकर के भी डाउटफुल कर दिया गया है। ठीक है, ये तमाम समस्याएं आ रही है, और शिक्षा विभाग को खुद पहले ट्रेन कर देना चाहिए था कि जो सीटेट का जो मार्कशीट होता है या जो सर्टिफिकेट होता है वो डिजी लॉकर से ही मिलता है और वही मान्य होता है। लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे इसको भी डाउटफुल में डाल दिया गया है, जैसे जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहां पे ऐसा किया गया है, ऐसी सूचनाएं मिली है। तो इन सारे लोगों का फिर से एक बार काउंसलिंग करवाया जाएगा, जहां भी डाउटफुल है उन लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए फिर से उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जहां पर भी जिस भी डॉक्यूमेंट्स में उनकी समस्या आ रही है। तो अभी तक ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग होना मुश्किल है, क्योंकि जब सबकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद ही पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों। तो सरकार से डिमांड है कि जिस डेट पे ये पास किए हैं, जिस तिथि को ये पास किए हैं, उसी तिथि से इन्हें राज्यकर्मी घोषित कर दिया जाए, और जो भी सुविधाएं हैं उनको उस तिथि से मिलना चाहिए दोस्तों। ये पहली डिमांड सरकार से। दूसरी है दोस्तों, यहाँ पे कमेटी का रिपोर्ट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, 15 दिनों के अंदर इन्हें रिपोर्ट देना था, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों का जो भी छुट्टी को लेकर के और जो भी तरह तरह की मांगे थी, कई डिमांड थी, 10-12 डिमांड था दोस्तों, और उसको लेकर के कमेटी का रिपोर्ट उस पर सरकार को देने वाली थी। लेकिन ये रिपोर्ट दोस्तों अभी तक जारी नहीं किया गया है, 2 से 3 महीने का समय हो चुका है दोस्तों, और अभी भी इसमें डिले ही हो रही है, और उम्मीद है कि शायद इस मंथ के लास्ट, हालांकि मंथ के हम लोग लास्ट वीक में ही चल रहे हैं, मंथ के लास्ट या तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में ही इसकी ये आ सकती है दोस्तों, ये कमिटी का रिपोर्ट आ सकता है। और क्या कुछ इसमें बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है ये पता चल सकता है। काफी डिले हो रहा है,
छुट्टी को लेकर के भी मुख्य समस्याएं थी, यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के समस्याएं थी। जैसे कि बीपीएससी शिक्षक भी हैं, वो लगातार ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी पिछले 15 सालों से ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अब वो पोस्टिंग की भी डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका पोस्टिंग भी किया जाए, तो ना पोस्टिंग मिल रही है ना ट्रांसफर मिल रही है दोस्तों। तो ये तमाम चीजों पर ये रिपोर्ट, ये कमेटी जो थी वो अध्ययन की है, और अध्ययन करने के बाद और विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पे ये जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सरकार को देगी। इन्होंने तमिलनाडु का भी दौरा किया है दोस्तों, और तमिलनाडु मॉडल जो है वो बिहार में लागू हो सकता है। सरकार से गुजारिश रहेगी कि तमिलनाडु मॉडल जारी कीजिए और जरूर यहाँ पे लागू कीजिए, लेकिन वहां का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसे भी लागू किया जाना चाहिए, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी लागू होना चाहिए। साथ ही साथ ये नहीं कि सारा कुछ लागू कर दिया गया, वहां पे ऐसे होता है ये होता है तमाम तरह की चीजें, और सैलरी देने में फिर से वही चापानी वाला जो है स्ट्रक्चर लागू हो जाए, तो उसे भी लागू किया जाना चाहिए। ये सरकार से दूसरी मांग है दोस्तों। तीसरी, जो यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस जो आजकल चल रही है दोस्तों, इसमें समस्या ही समस्या है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं कल का ही, कल जो आपका ऑनलाइन अटेंडेंस जो हो रहा था इसमें काफी समस्याएं आ रही थी। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों का कल ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना है, सर्वर डाउन चल रहा था इसका दोस्तों, और जब लोग इसको बनाने लगे, अटेंडेंस करने लगे अपने समय पे, तो ले नहीं रहा था, किसी किसी का एक एक घंटा दो दो घंटा। और जब ये रिपोर्ट भेजी गई यहाँ से जिले में, शिक्षक विद्यालय से जिले में, जिले से फिर जब राज्य को गया, तो उसके बाद दोपहर के बाद से दोस्तों, दोपहर मतलब 1 बजे के बाद से लगभग ये कुछ ठीक ठाक हुआ और लोगों का इन बन रहा था। तो ये तमाम तरह की चीजें, तो 9 बजे से लेकर के जो भी शिक्षक है दोस्तों वो 8:30 बजे से ही ये ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए पहुंच जाते हैं विद्यालय में, और 8:30 से कोशिश करते 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 नहीं बनता है। इसे तमाम तरह की चीजें होती है। अमूमन आप देखते होंगे कि जिस भी विद्यालय में 10 टीचर्स हैं दोस्तों, और 10 टीचर्स में 7-8 टीचर्स का तो बन जाता है, लेकिन प्रत्येक दिन 1-2 टीचर्स को समस्याएं होती ही होती है, और ऐसे समस्याएं होती रहेंगी। और आपका सितंबर लास्ट होने वाला है, और अब आपका अक्टूबर होने वाला है, तो अक्टूबर की जो सैलरी दी जाएगी वो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही दी जाएगी। तो इसे भी अच्छे से, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है, इस ऐप को भी अच्छे से सरकार की तरफ से संचालन किया जाना चाहिए कि तुरंत सबका अटेंडेंस बन जाए। अटेंडेंस नहीं बनने पे प्रेशर यहाँ होता है और उसका असर क्लासरूम में दिखाई देता है दोस्तों। तो सरकार से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस और भी सरकार ध्यान दे कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बच्चों का बाधित ना हो, क्योंकि यदि किसी टीचर्स की सैलरी 1 दिन की कटती है इस समस्या की वजह से, टीचर्स की कोई समस्या नहीं है, सर्वर डाउन हो रहा है, एक ही बार जब 6-7 लाख टीचर्स एक ही ऐप पे जाएंगे तो समस्या तो होनी ही है। और दोस्तों अक्टूबर से आपके तालीमी मरकज और जो सेवा शिक्षा सेवा वाले जो लोग थे, टोला सेवक वाले जो लोग थे, उन लोगों का भी इसी ऐप से और ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, तो समस्या और भी भयंकर होने वाली है दोस्तों। चौथी समस्या है यहाँ पे समय से पहले आउट। देखिए बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो समय से पहले आउट करके चले जा रहे हैं, इसको लेकर के भी कल स्पष्टीकरण आया है दोस्तों। बांका डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक स्पष्टीकरण निकाला गया है जो कि समय से पहले, जैसे 4:30 में आपको आउट करना है, तो बहुत से जो शिक्षक होते हैं वो 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे इस तरह से आउट कर दिए हैं, तो उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ पर भी समस्याएं होती है, कभी कभी 10-15 मिनट आपका समय हो जाता है, 4:30 बजे से आप लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन होता नहीं है, और ये चीजें आपका तुरंत यहाँ पे 4:30 बजे से करते करते तुरंत 5 बज जाता है, पता भी नहीं चलता है, और 5 बज जाता है फट से, और आपका ये जो आपका आउट है वो नहीं हो पाता है। तो ये समय, इस समय में भी समस्या होती है। वही इससे पहले जब भी आप इसको ओपन कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन जब इस समय पे आप कीजिएगा, जब आपको घर जाना होगा, विद्यालय छोड़ना होगा, तो वहां पे समस्या होती है। और जल्दी से, कितना जल्दी से ये वाला समय आधा घंटा यूं ही पार हो जाता है, पता भी नहीं चलता है दोस्तों। वही 4 से 4:30 में काफी समस्या, काफी इंतजार करना पड़ता है।
ये आप लोग भी फील करते होंगे कि 4 बजने के बाद, 4:30 बजने में काफी समय लगता है, लगता है जैसे समय ही पार नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 4:30 है आपका नहीं बन रहा है, आप टप टिप कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, ओपन कर रहे हैं, और अचानक से वो बहुत जल्दी वो समय 5 बज जाता है। तो इस यहाँ पर भी सुधार करने की गुंजाइश है। और ये आपका TRE 3.0 का जो रिजल्ट है दोस्तों, ये कब तक आएगा, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश हो गया है कि आखिर इतना लेट हो चुका है, एग्जाम कब का दे चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। OMR आंसर की सब कुछ आ चुका है और अब बातें फंस गई है दोस्तों रोस्टर को लेकर के, कि रोस्टर ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो 38 जिले हैं दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है निकल करके कि यहाँ से मुश्किल से 4 या 5 ऐसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे रोस्टर क्लियर हुआ है, बाकियों का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों, बाकी डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर भी समस्याएं आ रही है और इस वजह से जो रिजल्ट है, रिजल्ट में डिले हो रहा है। और उम्मीद है दोस्तों कि अगले महीने में ही इसमें कुछ रिजल्ट्स वगैरह आने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है दोस्तों। वहीं मैं एक चीज बता दूं कि कल ऑनलाइन अटेंडेंस में लगभग 60,000 ऐसे शिक्षक है दोस्तों जो कि अपना ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं, ये समस्या सर्वर डाउन की वजह से ही। तो ये 60,000 शिक्षक हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक वहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पाए ये सर्वर डाउन होने की वजह से। और अब ज्यादा समय नहीं है कि जब आपको इस ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पे ही आपको सैलरी मिलने वाला है, ये अक्टूबर में है से है। तो सरकार से और जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं दोस्तों, उनसे ये दरख्वास्त रहेगी कि वो इस ओर ध्यान दें। बहरहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सनसे बने इसके साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।